मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खतौली में इतनी ज़्यादा फौज उतार दी, जैसे 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक, तमाम सारे मंत्री और जो भाजपा के सहोदर संगठन थे, मदन भैया भी आ गए, तो 2 तो गुर्जर प्रत्याशी हो गए। और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग जो महत्वपूर्ण जनपद हैं वहाँ आरएलडी चाह रही कि गुर्जर नेता को स्टैंड किया जाए और ये 2 चेहरे जो है वो आगे किए जाएंगे। तो गौतम बुद्ध नगर हुआ आपका, मेरठ हुआ, और अब देखिए कुल प्रधान भी गुर्जर बिरादरी से आते हैं जो सपा से विधायक हैं। खतौली में जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा थी, उसी रोज जो भाजपा छोड़ के सपा में आए थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनकी ज्वाइनिंग थी, यानी कि दोबारा उनकी घर वापसी हो रही थी, लेकिन बीच रास्ते से उनके काफिले को लौटा दिया गया। श्रीकांत त्यागी की जहाँ तक बात है, ठीक है, खतौली विधानसभा उपचुनाव में प्रचार किए हैं जैसा कहा जा रहा है, लेकिन एक तो वहाँ त्यागी बिरादरी बहुत ज़्यादा वोट नहीं खतौली में हो गई है। शामली जहाँ से देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल जी, उनका गृह जनपद है शामली, तो शामली की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, कराना, थाना भवन और शामली में गए। लेकिन अब अगर ये समीकरण बनता है कि जाट, गुर्जर, मुस्लिम और चंद्रशेखर आज़ाद अगर अगले लोकसभा चुनाव तक इस तिकड़ी बनी रही, मैं अखिलेश यादव, जैन चौधरी, चंद्रशेखर की, तो मुझे लगता है कि वो कई सीटों पर प्रभावित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास है। नमस्कार, बीजेडी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खतौली में उपचुनाव को लेकर आज चर्चा करेंगे, भाजपा क्यों हार गई, गठबंधन क्यों जीत गया, इस पर अब विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक अमरेंद्र कमल जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ अमरेंद्र जी। धन्यवाद अंशुल जी। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि भाजपा वहाँ पर हार गई और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया वहाँ पर जीत गया? बड़ा प्रासंगिक सवाल है आपका, और आजकल राजनीतिक गलियारों में इस बात पर मंथन चल रहा है, खास तौर से सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि आप देखिए रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई वो आश्चर्यजनक है, वहाँ हमेशा से समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है। और खतौली की बात करें तो इसमें जो विक्रम सैनी है उनकी सदस्यता चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा, पहली गलती तो ये थी। खतौली का अगर इतिहास देखेंगे आप उस सीट का, तो कभी भी वहाँ से महिला प्रत्याशी विजित नहीं हुई थी, उस चीज़ को दरकिनार भी कर दें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खतौली में इतनी ज़्यादा फौज उतार दी, जैसे 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक, तमाम सारे मंत्री और जो भाजपा के सहोदर संगठन हैं उनके भी बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ पर डेरा जमाए रहे, तो वहाँ से जो जमीनी कार्यकर्ता था खतौली का, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो थे वो थोड़ा कट से गए। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत साहब ने आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लिया, तो दलितों का तमाम सारा वोट इधर ट्रांसफ़र हो गया आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को। एक और बड़ी वजह थी कि खतौली में जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा थी, उसी रोज़ जो भाजपा छोड़ के सपा में आए थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनकी ज्वाइनिंग थी, यानी कि दोबारा उनकी घर वापसी हो रही थी, लेकिन बीच रास्ते से उनके काफिले को लौटा दिया गया। तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सहारनपुर में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी में अच्छा प्रभाव रखते हैं, अन्य बिरादरी में भी 20 साल MLA रहे और 2 बार के मिनिस्टर रहे, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष रहे, और वहाँ खतौली में सैनी समाज में मतलब उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है, वह वोट भी RLD को गया, एक वजह ये भी थी। और दूसरे देखिए कि जाटों के साथ चूँकि मदन भैया गुर्जर बिरादरी से हैं तो गुर्जरों का वोट भी वहाँ पर आ गया, दलितों को वोट आ गया, तो इस तरह से, और मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था मदन भैया के अलावा, तो कुल मिलाकर के जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित, इन चारों बिरादरी की जो इनके जो बड़ी संख्या मतदाता थे वो RLD प्रत्याशी को वोट किए, और यही वजह थी कि मदन भैया शायद 22,143 वोटों से जीते हैं, और ये अंतर कोई मामूली नहीं, पहले राउंड से ही आगे चल रहे थे। तो भाजपा की पराजय के ये 3-4 प्रमुख कारण हैं।
लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो जो सियासी टीकाकार हैं वो अभी से इसका आकलन कर रहे हैं, यानी कि भावी जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है अगर ऐसा ये समीकरण बनता है तो भाजपा के लिए वो मुश्किल भरा होगा। और भाजपा खुद इस चीज़ को, इस पर मंथन चल रहा है उनके यहाँ कि हम खतौली सीट क्यों हारे, उनकी प्रमुख वजहें क्या क्या हैं। बहरहाल गठबंधन के नेता जाट, गुर्जर, खासतौर पर त्यागी, दलितों के साथ त्यागी समाज का भी एक योगदान रहा था, इसमें भी बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी वहाँ पर पहुँचे थे, चार गांव में घूमे थे, तो इस पर इस बात को समीकरण मान रहे हैं, क्या सही है ये? देखिए ऐसा है कि श्रीकांत त्यागी की जहाँ तक बात है, ठीक है वो खतौली विधानसभा उपचुनाव में प्रचार किए हैं जैसा कहा जा रहा है, लेकिन एक तो वहाँ त्यागी बिरादरी बहुत ज़्यादा वोट नहीं खतौली में, और उससे उनके मतलब वहाँ घूमने से ऐसा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी बिरादरी को काफ़ी तवज्जो दी है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आप देखिए मनोज सिन्हा जी जो पूर्व मंत्री रहे वो वर्तमान में राज्यपाल हैं, और पश्चिम से अश्विनी त्यागी जैसे कई सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। तो ये वजह नहीं है कि श्रीकांत ने कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और ठीक है कि वो अपना उपचुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे, लेकिन मूल जो कारण है ना जो उसकी भारतीय जनता पार्टी की पराजय का, वो ये जो तीन दो चारों चीज़ें मैंने गिनाई ना उसकी वजह से है भाजपा की पराजय। 2017 में 2022 में गुर्जर समाज ने, त्यागी समाज ने भाजपा को जमकर वोट किया, क्या लग रहा है कि अब उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है? नहीं, इतनी जल्दी कुछ कहना मतलब वो नहीं होगा कि अब एक सीट उपचुनाव में हार गई बीजेपी तो उसका वोट बैंक खिसक गया, लेकिन जैसा कि बेस्ट यूपी में अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें और सहारनपुर मंडल की ही बात आप कर लीजिए, तो मुजफ्फरनगर में चार सीटों पर आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज किए थे। अब मदन भैया की जीत के बाद पांच सीट मुजफ्फरनगर की हो गई। शामली जहां से देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल जी, उनका गृह जनपद है शामली, तो शामली की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, कराना, थाना भवन और शामली। और सहारनपुर में थोड़ा प्रदर्शन अच्छा रहा भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर पांच विधायक उनके चुने गए और दो विधायक समाजवादी पार्टी से चुने गए। लेकिन अब अगर ये समीकरण बनता है कि जाट, गुर्जर, मुस्लिम और चंद्रशेखर आज़ाद अगर अगले लोकसभा चुनाव तक इस तिकड़ी बनी रही, मतलब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर की, तो मुझे लगता है कि वो कई सीटों पर प्रभावित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास है, इसलिए वो इस पर, उनके जो बड़े नेता हैं चाहे वो दिल्ली के हों, लखनऊ के हों या संगठन में, उस पर मंथन शुरू हो चुका है। गुर्जर समाज के लोगों ने गुर्जर महासम्मेलन किया, ठाकुर समाज के लोगों ने सम्मेलन किया, खुद मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, क्या जनता ने इसको दरकिनार कर दिया? देखिए मतदाता होता है, और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था कि खतौली विधानसभा उपचुनाव और रामपुर का, तो मुख्यमंत्री आए, सभा किए, और भी नेता मैंने बताया नहीं कि तमाम सारे विधायक वहाँ पर सब कैंप किए हुए थे, लेकिन मतदाताओं का मूड नहीं था राजकुमारी सैनी से उपयुक्त, उन्होंने, बाकी ये जाति समीकरण जो है वो आपके सामने है, इसलिए मदन भैया की जीत हुई। लोकसभा में क्या चुनाव रहेगा फिर अब की बार, क्योंकि यहाँ का समीकरण बैठा है, तो क्या लोकसभा 2024 में कुछ सुधार होगा भाजपा के लिए? भाजपा के लिए देखिए, भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी पार्टी के लिए, कभी चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, और राजनीति में एक मुहावरा और चरितार्थ हुआ और जो आज तक कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो बाकी भाजपा के लिए अन्य राज्यों में आप देखिए हिमाचल में क्या हुआ, वहाँ सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आ गई, साउथ में भाजपा को उतना बड़ा प्रभाव मंडल नहीं है, पश्चिम बंगाल आप देख ही सकते हैं, अब बिहार की भी स्थिति बदली से है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, और अगर यहाँ बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो केंद्र की सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने मतलब बड़ी मुश्किल होगी, पनघट की डगर आसान नहीं कही जा सकती है। हालांकि भाजपा का अभी तक जो ऑल ओवर प्रदर्शन है और जो माहौल चल रहा है, चलिए खतौली उपचुनाव हारना अलग चीज़ है, तो वो कमज़ोर कहीं से नहीं है।
खतौली में देखिए जो मीरापुर सीट है वहाँ से चंदन चौहान वो सपा रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी थे और पिछले विधानसभा चुनाव में जीते, अब मदन भैया भी आ गए तो दो तो गुर्जर प्रत्याशी हो गए। और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग जो महत्वपूर्ण जनपद हैं वहाँ ऑलरेडी ये चाह रही कि गुर्जर नेता को स्टैंड किया जाए और ये दो चेहरे जो है वो आगे किए जाएंगे। तो गौतम बुद्ध नगर हुआ आपका, मेरठ हुआ, और अब देखिए अतुल प्रधान भी गुर्जर बिरादरी से आते हैं जो सपा से विधायक हैं। तो ये लोग एक संदेश देना चाहेंगे ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और ये जातीय समीकरण अगर बनता है, बिगड़ता नहीं है, तो सपा रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा लोकसभा चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ में अमरिंदर कमल जी, जिन्होंने अपनी जो राय थी बेबाकी सिद्ध रखी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य दें और लाइक करें। धन्यवाद।